वेरी सिंपल ग्लैमरस मेकअप लुक गाइस, मैंने ये मेकअप लुक बिगनर के लिए किया है। सो अगर आप बिगनर है, मेकअप नहीं आता है, तब भी आप इस ब्यूटीफुल लुक को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। अभी चल रहा है शादी पार्टी का सीजन, तो गाइस आप एज अ गेस्ट पार्टी मेकअप लुक भी इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, वीडियो में मैं आगे बताऊंगी आपको। बट गाइस वीडियो शुरू करें उससे पहले बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत ईजी, बहुत आसानी से चलिए देखते हैं कि इस मेकअप लुक को मैंने कैसे अचीव किया है। सो गाइज, वेन एवर यू हैव टू डू योर मेकअप, योर फेस शुड बी क्लीन। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लीन फेस पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ। टोनर ना बहुत अच्छे से आपके पोर्स को ब्लर आउट करता है। सो यहाँ पे हमने टोनर बहुत अच्छे से कर लिया अप्लाई। अगर ओवर ड्राई फील हो रहा है ना आपकी स्किन पे, तो आप शीट मास्क यूज़ कर लीजिए। नाउ गाइज, नेक्स्ट यूज़ योर मॉइस्चराइजर। आपको ना इस टाइम पे स्पेशली, मतलब जब भी आपका ठंड का सीज़न होता है ना, उसका जब भी आप मेकअप कीजिए, तो आप थोड़ा सा ना मॉइस्चराइजर की जेनरस क्वांटिटी यूज़ कीजिए। मतलब बहुत अच्छे से आपका चेहरा मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया है। अब गाइज नेक्स्ट बारी आती है आपके प्राइमर की। मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर लगाने से क्या होता है कि आपके मेकअप के लिए ना बहुत ही अच्छा सा बेस मिल जाता है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फेसेस का बहुत ही अच्छा सा सिलिकॉन बेस। ये एक प्राइमर है गाइस, थोड़ा सा कॉस्टली है। इससे चीप क्वालिटी के भी प्राइमर अवेलेबल हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा बेस्ट प्राइमर यूज़ कर लीजिए। सो गाइस, प्राइमर को आपको रब नहीं करना होता है, बल्कि आपको अपने फेस पे ना प्राइमर को अच्छे से करना होता है सेट। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्राइमर को अच्छे से सेट। अब गाइस, प्राइमर जब आप लगाएं ना, इस बात का ध्यान रखें कि इसके बाद ना नेक्स्ट लेयर तुरंत ना अप्लाई कीजिए। अब गाइस, आप ना अगर आपको नीडेड हो, तो आप जब आपको अप्लाई कर रहे हो मॉइस्चराइजर, उस टाइम पे आप सीरम भी अप्लाई कर लीजिए। सो यहाँ पे सीरम वगैरह मैंने नहीं अप्लाई किया है, बट फिर भी आप अप्लाई कर लीजिए अगर आपको चाहिए हो। बेस हुआ हमारा यहाँ पे प्रिपेयर। गाइस नेक्स्ट हम स्विच कर जाएंगे ब्रोस पे। ब्रोस के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट लिए हैं। मिस क्लेयर का ये ब्रश है गाइस, पेंसिल ब्रश है, नॉट पेंसिल ब्रश, पेंसिल स्टिक है गाइस। बहुत अच्छा वर्क करता है, सुपर सुपर डुपर अफोर्डेबल है गाइस। सो इसमें कॉम्बिंग वाला जो पोर्शन होता है, उससे हम पहले करेंगे शेप, देन करेंगे फिल। सो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से फिल कर रही हूँ। ये बहुत नेचुरल मुझे फिनिश देता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अब गाइस यहाँ पे फिलिंग हो गई हमारे ब्रोज की। अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे कंसीलर। गाइस ये वाला जो कंसीलर है, ये NY Bay का कंसीलर है, सुपर अफोर्डेबल, बहुत अच्छे से वर्क करता है। फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, और साथ ही साथ ना मैं अपने आई मेकअप के लिए बेस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ आई को कंसील, एट द सेम टाइम ना मैं जो अब मैंने ब्रोज जो फिल की है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड नहीं दिख रहा होगा या बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं दिख रहा होगा, ब्रोज अगर आपको बहुत ज़्यादा पफ फॉर्म में करनी है, पार्टी मेकअप है, तो थोड़ा सा ना प्रिसाइज्ड होना चाहिए, तो भी बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरह से हम बहुत अच्छे से अपने ब्रोज को भी कर लेंगे हाईलाइट, एट द सेम टाइम हम अपने आई मेकअप के लिए बेस भी प्रिपेयर कर लेंगे। सो वन आई का हमारा हो गया है, नेक्स्ट आई भी हमने कर लिया है। अब इसको गाइस ना तुरंत तुरंत आप सेट कर लिया कीजिए। मैंने यहाँ पे फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया है एंड एक सिंपल सा ब्रश लिया है, जिससे मैं बहुत अच्छे से कंसीलिंग वाले एरिया को, एट द सेम टाइम जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, मीन्स अपने थोड़े से फोरहेड पे भी किया है, तो वहाँ पर भी इसको अच्छे से हम कर लेंगे सेट। क्योंकि अगर इसको हम सेट नहीं करेंगे और नेक्स्ट मेकअप पे स्विच करेंगे ना, तो ये दिखने लगेगा और क्रीज करेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है रिवोल्यूशन का पैलेट। ये बहुत अमेजिंग पैलेट है गाइज, बहुत ब्यूटीफुल, ब्राइडल के लिए रिकमेंडेड है। आज मैं सिर्फ 3 कलर से गाइज, ओनली 3 से बहुत ईजी आपको मेकअप करना सिखाऊंगी। सो नाउ गाइज, मैंने एक लिया है ब्रश, और उससे सबसे पहले हम लेंगे एक ट्रांजिशन कलर, बहुत ब्राउन टोन का है ये, और इसी को हम अप्लाई करेंगे अपने
क्रीज लाइन पे। गाइस आपको करना क्या होता है, इस वाले ट्रांजिशन कलर को लेके अपने ओवरऑल जो आपका ट्रांजिशन वाला कलर होता है वो आपके पूरे एरिया पे, मीन्स ट्रांजिशन वाला कलर आपके क्रीज लाइन पे भी और हर जगह पे अप्लाई करना होता है। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने रेड कलर पिक किया है, जो आउटर वी वाला एरिया है ना वहाँ पे इसको सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करना है। देन बैक एंड फोर्थ मोशन में इसकी करनी है सुपरबली ब्लेंडिंग। अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता ना, तो आप सिर्फ कलर को ना प्रॉपर स्पेस, मतलब प्रॉपर प्लेस पे रख के उसकी अगर ब्लेंडिंग कर देंगे ना, तो भी बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगता है ना कि आप मेकअप में बहुत प्रो हैं। इसलिए याद रखिए, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ब्लेंडिंग। नेक्स्ट गाइस, जो ग्लिटर वाला गोल्डन कलर है, बस मैं उसको ले रही हूँ। गोल्डन कलर आप ऑलवेज अपने फिंगर से अप्लाई किया कीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से अपना जो रिंग फिंगर होता है उससे मैंने अप्लाई किया है। नाउ गाइस, अब यहाँ पे ना जितना भी आपको शिमरी कलर चाहिए उतनी बार आप मल्टीपल टाइम में इसको अप्लाई कर लीजिए। सो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, एक बार में मुझे कम लगा था, मतलब उतना ज़्यादा पॉप नहीं आ रहा था, सो इसलिए मैंने इसको सेकेंड टाइम भी किया है। नेक्स्ट गाइस, एलेटीन का मैं आईलाइनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बहुत इजी एंड अफोर्डेबल है, बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप मेकअप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इन सारे प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आईलाइनर हुआ हमारा यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है गाइस, वेट एंड वाइल्ड का। ये बहुत ही अच्छा नॉट हाईलाइटर, मस्कारा है गाइस। इसको मैंने यहाँ पे फटाफट से कर लिया अप्लाई। अब गाइस, मस्कारा मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है फेसेस का काजल। मतलब इस काजल की ना मैं जितनी तारीफ करूं गाइस, अब इसके बाद ना गाइस, काजल लगाने के बाद ना मुझे मस्कारा थोड़ा सा कम लगा, तो मैं उसको यहाँ पे रीअप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा आई मेकअप गाइस फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम बढ़ते हैं अपने बेस पे। सो हम यहाँ पे प्राइमर तक सेट कर चुके थे, बहुत अच्छे से हमारा प्राइमर हो चुका है अब तक सेट। अब हम शुरू करेंगे गाइस अपने इम्परफेक्शन को परफेक्ट बनाना। मतलब मेरे इस समय एक्ने हुए हैं, तो इसको हमें करना होगा हाइट। सो मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस NYB का कंसीलर। आप करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ। सो हम फटाफट से कंसीलर को अप्लाई कर लेंगे और इसको करेंगे सेट। पहले गाइस मैं फिंगर से सेट कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपकी बॉडी का भी जो गर्मी होता है उससे इसकी ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो जाती है। साथ ही साथ गाइस आपका फिंगर पे कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है, तो इसमें क्या होता है आपका प्रोडक्ट ना इधर उधर ना जाए, मीन्स जहाँ जिस चीज़ को आप हाइड करना चाहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से स्टिक कर जाए, ये मेन फंडा होता है। सो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने उसको कर लिया है थोड़ा सा हाइड। अब नेक्स्ट, आप देख ही रहोगे गाइज बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। अब इसको फटाफट से हम यहाँ पे कर लेंगे सेट। देन गाइज हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा, मतलब मेरे पास जो यहाँ पे पिंपल हुआ है ना मेरे को, वो काफ़ी बड़ा है। सो इसलिए हमें ना उसको बहुत अच्छे से पहले सेट करना होगा, देन गाइज हम अपना बेस यूज करेंगे। अब बेस के लिए गाइज हमने यूज किया यहाँ पे पैक का फाउंडेशन। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, क्योंकि मुझे एक्ने हैं तो इसके अलावा कोई भी बहुत अच्छे से कवर नहीं करता, बट पैक का ही फाउंडेशन बहुत अच्छे से कवर करता है आपकी स्कार्स वगैरह को। सो यहाँ पे टच वुड मुझे बहुत अच्छा अपना शेड मिल चुका है पैक का। इसमें शेड, आई गेस मुझे ऐसा लगा कि इसमें शेड अपना फाउंड करना थोड़ा सा मुश्किल था मुझे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फाउंडेशन को अपने हाथ पे लिया है, डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट गाइज, ऑलवेज जो मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ फाउंडेशन के लिए ताकि फाउंडेशन का वेस्टेज कम हो, वो है गाइज डॉट डॉट करके मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद में जो फिंगर होती है ना उससे इस तरह से उसको पूरे चेहरे पर स्प्रेड करती हूँ। अच्छे से इवनली स्प्रेड भी हो जाता है, साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट कम वेस्ट होता है। एक और चीज़ गाइज, आप जो कुछ भी यूज़ कीजिए, स्पेशली आप जो कुछ भी इवन स्किन करने के लिए यूज़ कीजिए, उसको ना अपने नेक में भी ज़रूर अप्लाई कीजिए, ताकि आपका दोनों जो पार्ट है, मतलब नेक और फेस दोनों अलग ना लगे, क्योंकि वो बहुत गंदा लगता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिसिमिलर है, उसको मैं कॉम्पैक्ट से कवर करूँगी। सो हम फटाफट से एक ब्लेंडर लिए हैं, उसको थोड़ा सा गीला करेंगे, एंड देन गाइज मैं यूज़ करूँगी इसको बहुत अच्छे से अपने बेस को मेंटेन करने में, मीन्स ब्लेंडिंग करने में। सो ब्लेंडिंग इज़ अ की फीचर फॉर एवरी थिंग, इवन फॉर मेकअप गाइज। हर एक चीज़ की ब्लेंडिंग अच्छे से होती है ना, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखता है और प्लस परफेक्शन भी आता है। तो ब्लेंडिंग को ना टाइम लेके अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख ही रहोगे बहुत अच्छे से मेरी ब्लेंडिंग हो गई। अब हम करेंगे अपने चौड़े से फेस की कटिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गाइज एक कॉन्टोर स्टिक लिया है। ये मार्स का 3D कॉन्टोर स्टिक है। इसमें गाइज आपका कॉन्टोरिंग का पार्ट भी आता है, आपके हाईलाइटिंग का पार्ट भी आता है। तो जहाँ जहाँ, मतलब मेरा फेस भी बहुत चौड़ा है, प्लस मेरी नोज़ भी
चौड़ी है, तो हम हर एक जगह पे अपना कॉन्टोर यूज़ कर रहे हैं और हाइलाइटर भी टाइम मतलब उसी टाइम पे हम मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि ना बहुत इजी हो हर एक चीज़ को अच्छे से, मतलब एक शेडो क्रिएट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से एक फीचर्स जो इनहेंस वाली चीज़ होती है ना वो भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। सो मैं यहाँ फटाक से अपने अच्छे से कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ और अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं गाइस, बहुत अच्छे से मेरा चेहरा हो गया स्लीक एंड शेडो क्रिएट हो गई। सो होता क्या, आपका चेहरा ना बहुत अच्छे से फीचर्स के साथ में इनहेंस लगता है। अब गाइस फटाफट से ओवरऑल चीज़ों को आपको करना होगा सेट। मैंने फिट मी का अगेन कॉम्पैक्ट लिया है और एक लिया है मैंने ब्रश, मीन्स पाउडर ब्रश है गाइस ये, और उससे मैं कर रही हूँ यहाँ पे हर एक चीज़ की अच्छे से सेटिंग। अब यहाँ पे गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे ना, क्योंकि मैंने, आप देख ही रहोगे मैंने क्या किया है, मैंने बहुत हल्का पाउडर कॉम्पैक्ट यूज़ किया है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट मत यूज़ कीजिएगा। अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, अब मैं कर रही हूँ अपने एप्पल एरिया को, मतलब अपने चीक्स को ब्लशी ब्लशी। इसके लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का प्रोडक्ट लिया है गाइस। ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा है, जब भी मुझे नेचुरल सा फिनिश चाहिए होता है, मतलब नेचुरल सा ब्लश चाहिए होता है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया वेट एंड वाइल्ड का ही हाईलाइटर। अब गाइस ये हाईलाइटर मुझे बहुत पसंद है, प्लस अफोर्डेबल है। दोनों ही प्रोडक्ट गाइस बहुत अफोर्डेबल है। एक फैन ब्रश से मैं बहुत अच्छे से अपने नोज एरिया पे, अपने फोर हेड पे, अपने क्यूपिड बो पे, मतलब हर जगह मैं बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करूंगी, क्योंकि पार्टी मेकअप है तो यहाँ पे ग्लैम एंड ग्लो एंड फिनिश तो चाहिए ही चाहिए होगा। सो गाइज, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बेस अप्लाई किया था ना तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट गाइज मैंने लिया है फिटमी का ये लिपस्टिक। इस लिपस्टिक को मैं OMG फॉर्म में रखूंगी, मतलब इतना मजा आता है ना इस लिपस्टिक के साथ में। आप मतलब 24 आवर गाइज, सच में ये लिपस्टिक टच से मस्त नहीं होती। मतलब मैंने इसको पार्टी में यूज़ किया था ना और बहुत मज़ा आया, मतलब हिली नहीं लिपस्टिक। नेक्स्ट गाइज मेकअप को मैं कर रही हूँ यहाँ पे सेट, और मेकअप को सेट होने के लिए आपको 1 या 2 मिनट देना होता है। नाउ मेकअप को कंप्लीट किया मैंने बिंदी से। नेक्स्ट मैं मिलती हूँ फुल एंड फाइनल गेटअप में। हेयर आई एम, मतलब सब कुछ मैंने पहन लिया है। अब गाइज मैंने ना यहाँ पे जो इयररिंग्स पहनी है उसके साथ में नेक में कुछ भी मत भी पहनो ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। सो या गाइस दैट्स इट, ये था मेरा मेकअप लुक। आई होप कि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो